बर्ड फ्लू का मामला मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मुर्गियों के मरने और लोगों के बीमार होने के बाद मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया। आपको दिखाते हैं कैसे यूपी के करोड़ों लोगों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के 20 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की आशंका है। पहले 150 मुर्गियों की मौत हुई। मुर्गियों का मांस खाने वाले कौवे मर गए। मुर्गियों को खाने वाले कुत्तों की भी मौत हो गई। पंद्रह दिनों में उत्तर प्रदेश के अमेठी इलाके में लोग बीमार पड़ रहे थे। सर्दी, जुकाम और बुखार ठीक नहीं हो रहा था। फिर मुर्गियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये बड़ी चेतावनी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा है। यहाँ टीम आई हुई, क्या क्या वजह गया है? क्या बर्ड फ्लू बीमारी की वजह से? तो गांव में क्या हो रहा है? क्या ये जुकाम बुखार है कुछ आदमियों के? सर में दर्द, बदन में दर्द रहता है, ऐसा है। तो कैसे क्या? कितने दिनों से चल रही है बीमारी? क्या लगभग एक हफ्ता से। तो इस चीज की जानकारी क्या गांव वालों को लग नहीं पाई थी अब तक? जी नहीं। तो कैसे लगी अचानक? कैसे आज पता चला जब टीम आई दिन में? तो जानकारी का आप बताने से पता चला कि बर्ड फ्लू मुर्गी बत्तख बत ना, उसी की जांच के लिए आई है। उसी की जानकारी करके उसके बाद टीम जा रही है। और क्या बोला? यूपी सरकार ने बीमार मुर्गियों का नमूना जांच के लिए भोपाल भेजा था। शुक्रवार को ही मरने वाली मुर्गियों की जांच का रिजल्ट आया। इसके बाद पूरी तरह से लैस होकर रैपिड एक्शन टीम अमेठी पहुंची। देखिए बीमार पक्षियों को किस तरह लाया गया। एक पक्षी की मौत हो चुकी है, दूसरा अभी जिंदा है। इसे यही मार दिया गया, लेकिन हम पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते। पक्षियों को मारने के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया गया। बीमारी का खुलासा बड़े हैरान करने वाले तरीके से हुआ। वहाँ पे पहले मुर्गियाँ मरी, पूरे गांव में करीब 150-200 मुर्गियाँ थे, सब मर गई। उसके बाद उसका मीट जो था मांस, उसको कौवे ने खाया, कौवे मरना चालू हो गए, कुत्ते खाए, कुत्ते मर गए। फिर बगल के गांव में सारिक प्रवाह, वहाँ पे भी जो है मुर्गियाँ मरी, फिर कौवे मरे। यूपी सरकार ने इस खबर को सामने नहीं आने दिया। यही वजह है कि पूरी कार्रवाई रातों रात की गई। मगर अब सवाल उठता है कि राज्य के करोड़ों लोगों को सरकार कैसे विश्वास दिलाएगी कि सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यूपी के 20 करोड़ लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। और अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू फैलता कैसे है। एक संक्रमित मुर्गी या पक्षी से दूसरे में बर्ड फ्लू फैलता है। संक्रमित मुर्गी या पक्षी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बर्ड फ्लू होता है। डॉक्टर से सलाह ना लेने पर जान का खतरा भी हो सकता है। बर्ड फ्लू से संक्रमण के लक्षण और बचाव। बीमारी के लक्षण 48 घंटे के अंदर नजर आने लगते हैं। मरीज की आंखों में लालिमा के साथ दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, दर्द होता है, आंखों से लगातार पानी आने की शिकायत होती है और मरीज को खांसी, बुखार और गले में सूजन रहती है। सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। निमोनिया और डायरिया भी हो सकता है। चिकन और अंडे से ऐसे में परहेज करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से हड़कंप। चिकन और अंडे से ऐसे में परहेज किया जाए तो इस इन्फेक्शन, इस बीमारी, इस संक्रमण से बचा जा सकता है।